उपभोक्ता की बचत से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि उपभोक्ता की बचत को मापने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामान्य रूप से उपभोक्ता की बचत के बारे में अधिकांश समय में परीक्षा में यह पूछा जाता है। उपभोक्ता की बचत की मार्शल के द्वारा प्रतिपादित धारणा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, अर्थात जो प्रश्न होता है उसके प्रथम भाग में तो आपको उपभोक्ता की बचत की पूरी अवधारणा बतानी पड़ती है, जिसमें उपभोक्ता की बचत क्या होती है और इसकी क्या अवधारणा इससे डिस्कस करना पड़ता है, साथ ही इसकी आलोचनाएं भी लिखनी पड़ती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि उपभोक्ता की बचत की जो आलोचनाएं विभिन्न आलोचकों के द्वारा क्या क्या की गई है। उपभोक्ता की बचत की जो मार्शल की धारणा थी उसका केनन है, टाजिंग है, प्रोफेसर रॉबिन्सन है, डेवनपोर्ट है आदि ने कटु आलोचना करते हुए इसे पूर्ण रूप से अवास्तविक बताया, काल्पनिक बताया या ब्रह्मात्मक बताते हुए कहा कि जो उपभोक्ता की बचत की धारणा है वो एक गलत धारणा है, क्योंकि उपभोक्ता वास्तव में किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देने के लिए तैयार होता है और जो वास्तव में मूल्य देता है उनमें कोई अंतर ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो मार्शल के द्वारा कहा गया है कि उपभोक्ता को कुछ बचत प्राप्त होती है, उपभोक्ता किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा जो मूल्य देने के लिए तैयार होता है और जो वास्तव में जो देता है उसमें अंतर होता है, ये एक काल्पनिक धारणा है। उन्होंने अपने विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने आधार पर इसकी आलोचना की। हम यहाँ बात करते हैं कुछ आलोचनाओं की। पहली चीज, जो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा मार्शल के द्वारा प्रतिपादित की गई वह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। मार्शल ने इस सिद्धांत में यह माना था कि विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, जबकि हम देखें तो व्यवहार में वस्तुएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहती है। एक वस्तु का प्रभाव दूसरी वस्तु पर भी पड़ता है। बहुत सारी उपभोक्ता कोई भी वस्तु को क्रय करता है तो उसमें दूसरी वस्तु की रेट क्या है उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी, ये जो मार्शल की सिद्धांत है उसमें ही माना गया कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो उपभोक्ता के पास जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ती है उसकी सीमांत उपयोगिता गिरती है, और जैसे जैसे वो मुद्रा को खर्च करता है उसके पास मुद्रा की मात्रा गिरती है तो उसके पास उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी बढ़ती है, और ये भी सारी चीज उपभोक्ता की बचत को प्रभावित करती है। तीसरा, मार्शल के द्वारा यह माना गया कि मार्केट में कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, जबकि व्यवहार में देखा जाए तो बाजार में एक ही वस्तु की बहुत सारी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्शल की जो मान्यताएं थी वो अवास्तविक मान्यताएं थी। इसके अलावा मार्शल के द्वारा ये भी माना गया कि उपभोक्ता की उपभोग अवधि के दौरान रुचि, आय, फैशन, रीति रिवाज, सरकारी नीति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि व्यवहार में देखा जाए तो उपभोक्ता की रुचियां भी बदलती है, उपभोक्ता की आदत भी बदलती है, बाजार में वस्तु और सेवाओं की फैशन भी बदलती है, सरकारी नीति में भी समय समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो पहली आलोचना इसमें यह बोली जाती है कि ये जो पूरा का पूरा सिद्धांत है वह अव्यवहारिक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। दूसरा, कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो मानते थे कि ये जो सिद्धांत है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अव्यवहारिक सिद्धांत है। उनका यह मानना था कि लंदन के 100 पाउंड और दक्षिणी अफ्रीका के 1000 पाउंड बराबर है, यह कोई भी महत्व नहीं रखता। इस सिद्धांत में यह बताया गया कि मान लीजिए लंदन में जो चीज 100 पाउंड में मिलती है और 100 पाउंड उपभोक्ता खर्च करता है तो जो उसको उपभोक्ता को बचत मिलती है उस 100 पाउंड खर्च करने में, उतने की उतनी उपभोक्ता की बचत 1000 पाउंड दक्षिण अफ्रीका में खर्च करने पर उपभोक्ता को मिलती है। पर व्यवहार में देखा जाए तो आज लंदन में, या लंदन एक विकसित राष्ट्र है, ब्रिटेन एक विकसित राष्ट्र है, वहां 300-400 डॉलर खर्च करके या पाउंड खर्च करके भी उपभोक्ता को जितनी संतुष्टि मिलती है, संभव है कि वहां 4-5 हजार डॉलर दक्षिणी अफ्रीका में खर्च कर भी नहीं मिले, क्योंकि वहां पर उतनी वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता ही नहीं है जितने की ब्रिटेन में अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत की जो धारणा है वो काल्पनिक हो जाती है, क्योंकि वहां आप उपभोक्ता की बचत की आप तुलना करना चाहते हैं तो दोनों देशों में समान दरों पर वस्तु और सेवाएं उपलब्ध हो तो आप तुलना कर सकते हैं। तो इस आधार पर भी इन्होंने कहा कि ये जो धारणा है वह अव्यवहारिक धारणा है, काल्पनिक धारणा है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं उपभोक्ता की बचत को मापने में कठिनाइयों को हमने चर्चा किया, तब हमने चर्चा किया था कि जीवन रक्षक वस्तुओं में उपभोक्ता की बचत की धारणा बहुत ही गलत है। इसी के साथ प्रतिष्ठा रक्षक वस्तु और जीवन रक्षक वस्तु दोनों ही में हम बात कर लेते हैं कि जीवन रक्षक वस्तु और प्रतिष्ठा रक्षक वस्तु में उपभोक्ता की बचत की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही नहीं होती है। एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, एक व्यक्ति बहुत तेज भूख लग रही है और उसको लग रहा है कि अभी मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मेरी जान निकल जाएगी, वो खाना खाने के लिए 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही है और उसको लग रहा है कि मैं मर नहीं जाऊं भूख से।
अब खाना उसी समय उसको 50 रुपए में अवेलेबल हो जाता है किसी कारण से, तो यहाँ 950 रुपए उपभोक्ता की बचत होगी। यह कहना गलत होगा क्योंकि सामान्य स्थिति में व्यक्ति 2 रोटी के लिए या 4 रोटी वो जो खाता है उसके लिए 1,000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता है। वो मजबूरी है, जीवन रक्षा के रूप में वह 4 रोटी के लिए 1,000 रुपए देने के लिए तैयार है और वही रोटी उसे 50 रुपए में मिल जाती है, तो हम ये कहेंगे कि उसको 950 रुपए के उपभोक्ता की बचत हुई, ये गलत सिद्ध हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन रक्षक वस्तुओं में उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है वो गलत होता है। दूसरी चीज, जो प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं हैं, बहुत सारे उपभोक्ता कुछ वस्तुओं को इसलिए खरीदते हैं कि समाज के दूसरे लोगों के पास वो वस्तु नहीं होती है और उससे उनकी प्रतिष्ठा बनती है। जैसे एक आदमी 1 करोड़ रुपए की कार लेता है, वह उस कार के लिए 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार होता है क्योंकि दूसरे लोगों के पास वह अवेलेबल नहीं है और इसलिए उसको वो खरीदना चाहता है। अगर वही कार 20 लाख रुपए में अवेलेबल हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कहेंगे कि उसको 80 लाख की कंज्यूमर सरप्लस मिली है, क्योंकि उपभोक्ता उस वस्तु के लिए 1 करोड़ रुपए इसलिए देने के लिए तैयार होता था कि वहां सामान्य रूप से लोगों के पास वह कार अवेलेबल नहीं थी, वो दूसरों से कुछ अलग हट दिखने के लिए उस कार के लिए 1 करोड़ रुपए तक देने के लिए तैयार था। पर यदि वह कार उसके समाज में 50 व्यक्तियों के पास होती है तो ऐसी स्थिति में वो उस कार का देना ही 20 लाख रुपया जाता था, लेता भी 20 लाख में ही है, तो वहां कंज्यूमर सरप्लस शून्य होता है। तो एक ही बात, एक ही सेम कार यदि पूरे गांव में या पूरे शहर जिसमें व्यक्ति रह रहा है, एक भी व्यक्ति के पास कार नहीं है वो कार, तो उसके लिए वह 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, पर कार वाली कंपनी तो 20 लाख में ही कार देती है। तो ऐसे समय में जब एक भी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो उसको कंज्यूमर सरप्लस मिलता है 80 लाख का, पर अगर उसी शहर में 50 व्यक्ति के पास वो कार है तो ऐसी स्थिति में वह उपभोक्ता उस कार का 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार नहीं होगा, वरन वह उसका 20 लाख रुपए ही देने के लिए तैयार होगा। और 20 लाख में ही कार मिलती है तो वहां उसको कंज्यूमर सरप्लस शून्य मिलेगा। तो जो प्रतिष्ठा रक्षक वस्तु है उसमें एक बार सेम वस्तु पर अगर वो प्रतिष्ठा रख सके तो उसको 80 लाख रुपए का कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है, और वह वस्तु वो प्रतिष्ठा रक्षक नहीं हुई तो उसको शून्य कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जीवन रक्षक वस्तु और प्रतिष्ठा रक्षक वस्तु में उपभोक्ता की बचत की धारणा बिल्कुल अप्रासंगिक है। इसके अलावा तीसरी चीज हम बात करेंगे कि उपभोक्ता की बचत की ठीक ठीक माप संभव नहीं है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उपभोक्ता की बचत को मापने में क्या क्या कठिनाई आती है। पहली चीज तो उपभोक्ता की बचत एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इस कारण से हम इसका माप नहीं सकते। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, आचार व्यवहार अलग है। दूसरी चीज, उपभोक्ता के पास अपनी जो मांग मूल्य है उसकी सूची उपलब्ध नहीं होती है। प्राय उपभोक्ता किसी दुकान पर जाता है और वह उसी समय डिसाइड करता है कि मुझे क्या वस्तु लेनी है, तो प्राय वो वस्तु का जो मूल्य देने के लिए तैयार होता है वो भी वो विक्रेता जो मांगता है उतना ही वह देने के लिए तैयार होता है। तो इस कारण से जो उपभोक्ता की बचत की जो बात हम कर रहे हैं वह काल्पनिक और अवास्तविकता से परे विचारधारा है। इसके अलावा देखिए, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में भिन्नता होती है। एक ही वस्तु के लिए मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक किलो एप्पल के लिए अमीर आदमी 200 रुपए देने के लिए तैयार है, मिडिल क्लास वाला 150 रुपए देने के लिए तैयार है, गरीब 100 रुपए देने के लिए तैयार है, और वह एप्पल 80 रुपए की मिलती है, तो हम ये नहीं, उसी एप्पल से अमीर आदमी को कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है 120 रुपए का, जो मिडिल क्लास है वो 150 देने के लिए तैयार था, 80 में मिलती है तो उसको 70 रुपए की कंज्यूमर सरप्लस होती है, और जो गरीब आदमी है वो 100 रुपए देने के लिए तैयार था और 80 रुपए में वो एप्पल मिलती है तो उसको 80 रुपए की 20 रुपए की कंज्यूमर सरप्लस मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में भिन्नता होने के कारण समान वस्तु अलग अलग उपभोक्ता को अलग अलग उपभोक्ता की बचत प्रदान करती है। इसका मतलब है उपभोक्ता की बचत का जो माप है वो एक वैज्ञानिक माप नहीं है, एक ही वस्तु से अलग अलग उपभोक्ता को अलग अलग उपभोक्ता की बचत मिलती है। इसके अलावा विभिन्न व्यक्तियों की रुचि में अंतर होता है, चैतन्यता में अंतर होता है, इस कारण से उनको उपभोक्ता की बचत भी अलग अलग मिलती है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जिस व्यक्ति को जिस चीज में रुचि है उसके लिए वह ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार होगा, पर दूसरे को रुचि नहीं है तो उसके लिए वह कम मूल्य देने के लिए तैयार होगा। तो एक ही वस्तु से अलग अलग उपभोक्ता को अलग अलग उपभोक्ता की बचत मिलेगी। इसके अलावा इस उपभोक्ता की बचत की धारणा में माना गया था कि बाजार में कोई भी स्थानापन्न और पूरक वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, जबकि व्यवहार में देखें तो बाजार में किसी भी वस्तु के बहुत सारे पूरक वस्तु उपलब्ध होती है। इस कारण जो उपभोक्ता की बचत है उसका जो माप है सही सही करना संभव नहीं है। इसके अलावा ये जो सिद्धांत है उसमें यह भी माना गया था कि मुद्रा की सीमा तुल्यता स्थिर रहती है, जबकि वास्तव में मुद्रा की सीमा तुल्यता स्थिर भी नहीं रहती है। और इसके अलावा
जैसे जैसे कोई वस्तु उपभोक्ता के पास बढ़ती चली जाती है, उसको प्रारंभिक इकाइयों से पहले की तुलना में कम संतुष्टि मिलने लगती है। कहने का तात्पर्य, हम जो उपभोक्ता की बचत को मापने में जो कठिनाइयां बताई थी पिछले वीडियो में, वो सारी सारी भी इसके अंदर सम्मिलित होती है। इसके अलावा देखिए, हम और बात कर सकते हैं, उपभोक्ता की बचत सदैव स्थायी नहीं रहती है। उपभोक्ता की बचत अगर रुचि, आय, फैशन, रीति रिवाज, सरकारी नीति आदि में परिवर्तन होता है, तो उपभोक्ता की बचत में भी परिवर्तन हो जाता है। कोई वस्तु जो फैशन में नहीं थी, तो उपभोक्ता 50 रुपए देने के लिए तैयार, 40 रुपए में मिलती है, उसको 10 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस मिलता है। अब वही वस्तु फैशन में आ जाती है, तो उपभोक्ता उसको 200 रुपए देने के लिए तैयार होता है, वो 40 रुपए मिलती है, तो उसको 160 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस मिलता है। कहने का तात्पर्य, उपभोक्ता की रुचि बदल जाती है, रुचि बदल जाती है तो उपभोक्ता की बचत भी बदल जाती है। कोई चीज फैशन में आ जाती है तो भी उपभोक्ता की बचत में चेंज हो सकता है। कोई वस्तु उपभोक्ता की आदत में आ जाती है, मान लीजिए एक व्यक्ति की गुटखा खाने की आदत हो गई है, अब उसको गुटखा नहीं मिलता है, तो उसके लिए 50 रुपए भी देने के लिए तैयार है, और गुटखा उसको 10 रुपए में मिल जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसको कंज्यूमर सरप्लस हो गया 40 रुपीज का, क्योंकि वह आदत की वजह से उसका ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार था। फैशन की वजह से मूल्य ज्यादा देने के लिए तैयार होता है, रीति रिवाज की वजह से हो सकता है, सरकारी नीति की वजह से हो सकता है। तो कई ऐसे कारण है जिसमें हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत स्थायी नहीं रहती है, ये समय समय पर बदलती रहती है। कोई चीज उपभोक्ता की आदत में लग जाएगी तो उस पर उपभोक्ता की बचत ज्यादा होने लग जाएगी, जब तक आदत में नहीं थी। मान लो एक व्यक्ति है, वो गुटखा नहीं खाता है, तो वो गुटके अगर उसको गुटके की जरूरत है तो वो 10 रुपए ही देने के लिए तैयार होता है, 10 रुपए में ही गुटखा मिलता है, तो उसको उपभोक्ता की बचत शून्य मिलती है। पर यदि व्यक्ति की आदत लग गई और उसको गुटखा नहीं मिल रहा है, बिना गुटखा उसका काम नहीं चल रहा है, तो उसी गुटके के लिए वह 100 रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाता है, और गुटखा अगर उसको 10 रुपए में मिलता है तो वहां उसको 90 रुपए की कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, ये सारी की सारी जो विचारधारा है वो एक कल्पना के तहत। इसके अलावा यूलिसे गोबी नाम के इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनका क्या मानना था कि उपभोक्ता की वास्तव में जो उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो मूल्य देता है, उसमें अंतर होता ही नहीं है। प्राय उपभोक्ता उतना ही मूल्य देने के लिए तैयार होता है जितना कि वह मूल्य उस वस्तु का होता है। इस कारण से उपभोक्ता की बचत की जो धारणा है वह एक मनगणंत काल्पनिक धारणा है। फिर भी हमें कह सकते हैं कि इनकी आलोचना होते हुए भी, उपभोक्ता की बचत की धारणा की आलोचना होते हुए भी, उपभोक्ता की बचत का जो विश्लेषण है उसे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हम कह सकते हैं कि यदि आप उपभोक्ता की बचत की धारणा से बहुत ज्यादा आशा न करें तो भी ये बौद्धिक दृष्टि से सम्माननीय है तथा बहुत सारे कार्यों में मार्गदर्शन की दृष्टि से लाभदायक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हालांकि उपभोक्ता की बचत की धारणा की कुछ आलोचनाएं हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें उपभोक्ता की बचत का बहुत महत्व है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि उपभोक्ता की बचत का क्या महत्व है, किस प्रकार से सरकार करारोपण करती है तो उपभोक्ता की बचत को देखती है, किसी देश से व्यापार करती है तो भी उपभोक्ता की बचत को देखती है, सरकार कुछ अनुदान देना चाहती है तो भी उपभोक्ता की बचत को देखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत की धारणा की भले ही आलोचना होती हो, भले ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर फिर भी ये मार्गदर्शन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक दृष्टि से बहुत ही सामान्य विचार है। धन्यवाद।